Hey students, welcome back, welcome again. आज हमारा discussion है basicity of amines के बारे में. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कभी भी अगर आपके सामने amines word आ रहा है, तो इसकी एक simple सी और आसान सी definition है, these are derivatives of ammonia. तो ये ammonia की derivatives हैं. अगर आप देखेंगे, तो हमारे पास तीन type के amine हैं, 1 degree, 2 degree, 3 degree, primary, secondary and tertiary. अगर आप तीनों amines में देखेंगे, तो आपको एक nitrogen common दिखेगा. और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि नाइट्रोजन के पास हमारे एक लोन पेयर है. यही लोन पेयर वजह होती है हमारे अमाइंस के बेसिक होने की. तो देखते हैं सर, जैसे हमारे पास लेट अस कंसीडर कुछ मिथाइल अमाइन है. अब ये मिथाइल अमाइन चाहे तो किसी मेटल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है. इवन ये वाटर में, अगर वाटर में आप इसको डिसॉल्व करोगे, तो ये वाटर जो H+ देगा उसके साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है. कैसे कर सकता है? ये अपना ये जो लोन पेयर है ये उसको डोनेट करता है, एक बढ़िया सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. तो ये बात हो गई इनके बेसिक होने की. बेसिक से एक बात और आती है कि बेसिक स्पीशीज़ को हम लोग प्यार से केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं लुईस बेस. और लुईस बेस को हमारे टीचर हमें कैसे सिखाता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं. क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर. तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर तो रहा है, तो हो गया ना बेसिक. अब सवाल हो कि अगर सिलसिला शुरू किया जाए, तो ये तो हमारे पास एक एल्काइल अमाइन है. कैसा है ये? एल्काइल डेरिवेटिव है. एक और डेरिवेटिव हो सकता है हमारे पास, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, दैट विल बी लाइक दैट. ये हमारा क्या है? एराइल अमाइन. दिस इज वॉट एराइल अमाइन. अब हमसे सबसे पहला सवाल किया जाता है कि ज़रा ये बताइए कि ये ज़्यादा बेसिक है कि ये ज़्यादा बेसिक है. तो इसको कंसिडर करना है हमें विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर. देखिए, ऐसा कोई भी फैक्टर, ऐसा कोई भी इफेक्ट जो हमारे इस लोन पेयर के रिमूवल को आसानी से कर देगा, वो हमारी बेसिसिटी को, बेसिक नेचर को बढ़ा देगा. अगर हमारा ये लोन पेयर सर रुक गया किसी कारणवश, नहीं डोनेशन के लिए अवेलेबल है, तो वहाँ पर हमारी बेसिसिटी कम हो जाएगी. तो हम क्या कह रहे हैं? ईज ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर. तो लोन पेयर के जो डोनेशन की आसानी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बेसिसिटी. कोई भी फैक्टर जो हमारी इस आसानी को बढ़ा देगा, वो हमारी बेसिसिटी को भी सर बढ़ा देगा. अब अगर आप सोचेंगे, तो यहाँ पे CH3NH2 है, ठीक है, यहाँ पे ये रिंग लगी हुई है, और अगर रिंग में आप देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड है, पड़ोस में सिंगल बॉन्ड है, ये लोन पेयर है. डबल सिंगल लोन पेयर अल्टरनेट फैशन में है. साइंटिस्ट कहते हैं सर ये रेजोनेंस की कंडीशन है. अब रेजोनेंस का मकसद क्या है? कि एक स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है. बहुत सारी बातें आपको ऑर्गेनिक में रेजोनेंस के बारे में बताई जाती हैं. तो डबल सिंगल लोन पेयर ये हमारा हो गया रेजोनेंस में, और अब हमारा लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ दोस्ती लगा चुका है. तो अब आप खुद सोचिए कि ये वाले में से रिमूवल आसानी से हो जाएगा लोन पेयर का कि ये वाले में से? सर ये वाले में से आसानी से हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो इस लोन पेयर को रोक रहा है. लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इस डबल बॉन्ड से दिल लगा चुका है ऐसे, तो फिर ये इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा. तो पहला सवाल और पहला जवाब, एल्काइल अमाइंस और एराइल अमाइंस दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन है? एल्काइल अमाइंस. क्यों है? क्योंकि एराइल अमाइंस में हमारा लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए. अब इसके रिगार्डिंग कुछ सवाल करते हैं. एक बात हमें ये समझ में आ गई कि जो बेसिक नेचर है, बेसिसिटी है, वो रेजोनेंस से कुछ उल्टा रिश्ता रखता है. यानी जहाँ जहाँ रेजोनेंस बढ़ा वहाँ वहाँ बेसिक नेचर कम होगी. चलिए अब इधर देखते हैं, 1, 2, 3. आप इधर बताइए कि इसमें 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 बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा. तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लोन पेयर अच्छा सा बनाते हैं, तो डबल सिंगल लोन पेयर, ये हो गई इनकी दोस्ती. यहाँ पे देखेंगे आप तो इधर देखिए, डबल सिंगल लोन पेयर एक बार फ्रेंडशिप, और डबल सिंगल लोन पेयर दो बार फ्रेंडशिप. तो कुछ ऐसा हो गया. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लोन पेयर है, और इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस. तो ऐसा समझ दीजिए कि कुछ ऐसा है. तो आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ रहा है हमारी बेसिसिटी कम हो रही है. तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 1, then 2, then 3. तो ये हो गया हमारा पहला सवाल. दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, ज़रा इधर आते हैं. देखिए 1, 2,
3, आपको ये बताना है कि इन तीनों में बेसिक कैरेक्टर कैसे अलग अलग होना है। तो अगर आप देखेंगे सर, रेजोनेंस तो तीनों में कॉमन है, डिफरेंस क्या है? CH3 के बारे में अगर आपने थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक में पढ़ा है तो भाई साहब ये हमारा कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये क्या होता है? CH3EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और ये प्लस आई इफेक्ट का मकसद क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने की टेंडेंसी है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ रही है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो रहे हैं। अब ये नाइट्रोजन सोचे कि मुझे अपने लोन पेयर को डोनेट करना है, तो सर इसके लिए आसानी हो जाएगी, ये डोनेशन करना है लोन पेयर का और इधर उधर से इलेक्ट्रॉन्स भरपूर आ रहे हैं तो और आसानी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ग्रुप है, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन्स हैं, इनका इंडक्टिव इफेक्ट नियरली जीरो अज्यूम किया गया है। तो फिर अगर आप सोचेंगे लोन पेयर और सब कुछ कंसिडर करने के बाद, तो आपका ऑर्डर आएगा 3 इज द बेस्ट, देन 1, देन 2। यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि जो बेसिसिटी है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्लस आई इफेक्ट के। जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा बेसिक नेचर भी बढ़ता जाएगा। इस नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना आसान हो जाएगा। इस सवाल की तरफ आते हैं, तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो सोचना ही नहीं है, 2 वाले में रेजोनेंस बिल्कुल भी नहीं है, सबसे आसानी से अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा। अगर आप इसको देखेंगे सर दोनों में रेजोनेंस तो है, डबल सिंगल लोन पेयर, इधर देखेंगे तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा वाला। चलिए दोनों में एक एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं, H+ यहाँ पे ऐड किया था, एक H+ हमने इधर ऐड किया, तो फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे NH3 हो जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक थोड़ा ज़रा सा भी पढ़ के आए हैं तो यहाँ पर आपके पास 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स यानी कि सिस्टम एरोमेटिक। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे पायरोल में तो सर 2 pi 2 pi, दो डबल बॉन्ड्स है तो 4 pi इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर हमारा सिस्टम कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक स्पीशीज तो बनती ही नहीं है, तो ये H+ आसानी से नहीं लेगा। जब H+ ही नहीं ले रहा है यानी अपना लोन पेयर H को नहीं दे रहा है, तो यानी कि बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो ये 3 वाला सबसे पीछे, 2 देन 1, तो यहाँ पर आपकी बेसिसिटी कुछ अच्छी रहेगी क्योंकि रिजल्टिंग स्पीशीज H+ लेने के बाद एरोमेटिक है। और यहाँ पर जो H+ अगर आप ज़बरदस्ती जोड़ भी रहे हैं तो फिर एंटी एरोमेटिक स्पीशीज है जो कि अनस्टेबल होती है, तो ये अपना लोन पेयर किसी को देना नहीं चाहेगा, इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, तो पायरोल सबसे पीछे। तो ये बात थी हमारी कुछ बेसिक्स की, हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट दिखाया, रेजोनेंस दिखाया। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अलग अलग इफेक्ट्स की, मीसोमेरिक का क्या कंसेप्ट रहता है, इंडक्टिव का क्या रहता है। सो स्टे ट्यून्ड, शेयर दिस विद योर दोस्त यार रिश्तेदार ABCDEFGF, सबके साथ शेयर करें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें और आप कुछ इंटरेस्टिंग और खुराफाती वीडियोज़ वहाँ पर भी देख सकते हैं। थैंक यू।